नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट पी के एजुकेशन सेंटर में। तो आज हम बात करेंगे राजस्थान में जो संस्कृत शिक्षा विभाग में लाइब्रेरियन की जो वैकेंसी है वो आने की संभावना कब तक है। इसके अलावा PTI की है, कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की है। तो सबसे पहले एक बार क्या है, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लें। बात करें राजस्थान में तो संस्कृत शिक्षा विभाग में काफ़ी लंबे समय से जो आपके क्या है राजस्थान में आपके लाइब्रेरियन, कंप्यूटर अनुदेशक और PTI की वैकेंसी का क्या है इंतज़ार हो रहा है। सभी जो बेरोजगार अभ्यर्थी हैं वो लगातार मांग कर रहे हैं कि जो लाइब्रेरियन की संस्कृत शिक्षा विभाग में जो 301 पद है वो कब तक आएंगे, क्यों नहीं आ रहे हैं। तो इसको क्या है, इस भर्तियों के लेकर आपके संस्कृत शिक्षा विभाग में नियमों में क्या है फाइल है वो आपकी अटक गई थी, और इसी को लेकर क्या है आपके बेरोजगार जो अध्यक्ष हैं उपेन यादव, उनके द्वारा क्या है शिक्षा मंत्री BD कला को आपके संस्कृत शिक्षा विभाग में PTI लाइब्रेरियन कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की विज्ञप्ति जारी करवाने की मांग को लेकर आज माननीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर BD कला जी को युवा बेरोजगार अभ्यर्थियों के साथ क्या है ज्ञापन सौंपा गया है। तो ये भर्ती आपको क्या है, ये जो आपका 2023 का जो बजट आने वाला है इस बजट में आपको ये भर्तियां देखने को मिल सकती हैं। राजस्थान संस्कृत शिक्षा विभाग में लाइब्रेरियन के है 301 पद, इसके अलावा PTI और कंप्यूटर अनुदेशक, ये तीनों भर्तियाँ आपको जल्दी क्या है देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि लगातार इनकी मांग हो रही है और ज्ञापन भी लगातार जो बेरोजगार हैं उनके द्वारा सौंपे जा रहे हैं। तो ये भर्तियां आपको क्या है फरवरी में इनकी क्या है घोषणा हो सकती है। अभी संस्कृत शिक्षा विभाग की जो भी भर्तियां आपकी लाइब्रेरियन की है, लाइब्रेरियन की तो 301 पद आएंगे आपके। तो ये क्या है ज्ञापन है वो इन भर्तियों को लेकर BD कला को सौंपा गया है, और ये बजट में आपको क्या है फरवरी में देखने को मिल सकती है। धन्यवाद।